इस वीडियो में हम आपको मिलवाएंगे ट्रैक्टर के जादूगर से। ट्रैक्टर के ड्राइवर आपने काफी देखे होंगे, लेकिन आज हम आपकी मुलाकात एक ऐसे इंसान से करवाएंगे जिसके दोनों पैर भी नहीं है, फिर भी अपने बीवी बच्चों का गुजारा ट्रैक्टर चलाकर करता है। कैसे उन्होंने इस ट्रैक्टर में ये जुगाड़ किया हुआ है, दोनों पैर होने की बावजूद भी ट्रैक्टर दौड़ाते हैं, ट्रैक्टर टोचन भी करते हैं और लोगों का किराया करके अपना और अपनी बीवी बच्चों का पेट पालते हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम आपको मिलवा देते हैं जुम्मा। बारे में बताओ, गांव और नाम बताओ अपना। जी, गांव तो मेरा बेलडा है, जिला मुजफ्फरनगर है। अच्छा अच्छा। तहसील जानसर जी, ब्लॉक मोरना, थाना भोपाल लगता है। अच्छा अच्छा जी। अच्छा, ये पिताजी है? नहीं, पिताजी तो छोटे से कोई छोड़ के मर गए थे। मतलब छोटे से? कितने साल के थे? 13 साल की उम्र थी। 13 साल की उम्र थी। जमीन है? नहीं, जमीन कुछ नहीं। कितने भाई हो आप? दो भाई है। दो भाई हो? अच्छा अच्छा। तो ये शुरू से ही आप ऐसे हो, बचपन से ही? बचपन से ही ऐसा हूँ मैं। बचपन से ही ऐसे हो? अच्छा, तो जब पिताजी गुजर गए तो ये ट्रैक्टर कैसे चला रहे हो, मतलब क्या दिमाग में है? संघर्ष की कहानी बताओ अपने। मैंने संघर्ष तो बहुत करा अपनी जिंदगी में। पहले मैंने अच्छा परचून की दुकान करी थी। अच्छा। उसके बाद मैंने रिक्शा चलाई। अच्छा। अपनी मोटरसाइकिल की रिक्शा बना गए। बिल्कुल बिल्कुल। सन 1996 में चालू कर दी थी मैंने। अच्छा। मोटरसाइकिल के इंजन की। हाँ। स्कूटर का इंजन चलता पहले तो। दिमाग से पहले से ही मतलब साइंटिस्ट दिमाग रहा। जी, जी जी। अच्छा, फिर सवारी बहुत लोही। फिर जब सवारियों का काम ज्यादा वो हो गया, मंदा हो गया। हाँ। तो हमने सोचा भाई काम बदलना पड़ेगा। रिक्शा भेज दी, ट्रैक्टर लिया फिर। अच्छा, बस यही काम अपना। वेल्डिंग भी करते हो? वेल्डिंग भी करता। अच्छा, इसको चलाते कैसे हो? ये क्लच है इसका। अच्छा, इसमें हाथ में जुगाड़ कर रखा है क्लच का? क्लच है। चलो, ये तो हाथ में जुगाड़ कर रखा है जुम्मा भाई ने। और ये इधर ब्रेक है। अच्छा, ये ब्रेक है। ये फोल्डिंग है। अच्छा, फोल्डिंग है, इसको ऐसे भी कर सकते हैं। इधर लगा लो। अच्छा, चाहे इधर लगा लो। बहुत बढ़िया। साइड ब्रेक मारते हैं तो इधर लगा लो। अच्छा अच्छा। तो आप जुम्मा भाई किराए का काम करते हो? जी। कहाँ कहाँ जाते हो किराए में? किराए पे ये सिकंदरपुर है अपना। हाँ। और धीरेडी है। अच्छा। और बोकरेडी है। बोकरेडी जाते हो? बढ़िया काम चल रहा। कोई पैसे वैसे तो आपके रखता नहीं होगा? ना ना ना, कोई नहीं रखता। कौन रखेगा यार, आदमी देखता है जुम्मा इतना मेहनती आदमी है। नहीं, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, उन लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे जो बिल्कुल तंदुरुस्त है और ऊपर वाले को कोसते रहते हैं? उन लोगों से तो मैं ये कहूंगा कि आदमी क्या नहीं कर सकता। बिल्कुल, आपको देख के तो ऐसे ही लगता है जी, इंसान क्या नहीं कर सकता, सब कुछ कर सकता है। बाकी ये है कि वे आस छोड़ दें अपने आप पे। आस छोड़ दें अपने आप को, ये मजबूर कर उनको ले। ऐसा लगता है बिना पैसे के कुछ नहीं है। बस 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 बस। हाँ। ऐसा कुछ नहीं है। जब पैसे की तुम तरफ को जाओगे तो पैसा भी तुम्हारी तरफ आएगा। मेहनत तो करनी पड़ेगी। ऊपर वाला सब कुछ देखता है। सब कुछ देखता है, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, बस ये है कि सोच इंसान की जो है ना वो छोटी पड़ जा वो इंसान बेकार हो जाता। सारा मेहनत इतनी करो जो कामयाबी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अपनी मेहनत में कसर ना छोड़ो, देने वाला ऊपर वाला। बिल्कुल है। और शादी वाला हो गई आपकी? शादी हो गई। अच्छा, बच्चे बच्चे कितने हैं? बच्चे 3 हैं, 2 लड़की 1 लड़का। अच्छा, बढ़िया चल रहा है काम, अल्लाह का शुक्र। चलो, अच्छा ये जो आपने ट्रैक्टर बनाया ये कैसे बनाया, क्योंकि आपके पास जमीन तो है नहीं, लाखों का ट्रैक्टर आता है इसकी? मैंने वेल्डिंग की दुकान भी करता हूँ मैंने। अच्छा। एक थोड़ा थोड़ा इकट्ठा कर करके। अच्छा अच्छा। लोया पहले बुग्घी बनाई, उन्हें खड़ी करो रखी, फिर दो एक दो और बनाई, थोड़ा थोड़ा सामान लाता रहा, बुग्घिया इकट्ठी करी। बिल्कुल बिल्कुल। 5-4 तब एक बिकी, तब मैंने ट्रैक्टर लिया। अच्छा अच्छा। फिर मैंने लान मशीन चलाई। अच्छा। लान मशीन चला के पैसे कमाए, फिर रोटरी। अच्छा, लान मशीन भी चलाते हो? जी। अरे यार कमाल है, मतलब उसका मैनेजमेंट कैसे करते हो? तो लेबर सिर में दर्द कर देती है? नहीं, वो भी बस ऐसा है। लान मशीन चलाते हो हर महीने? हर साल? हर साल चलाता हूँ। अच्छा जी। हाँ। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। सरसों में भी चलाता हूँ और लान पे भी चलाता हूँ। अच्छा अच्छा, एक सवाल है जुम्मा भाई हमारा, आप ये ट्रैक्टर तो चलाते हो, इस पे चढ़ते कैसे हो? इस पे भाई दूसरा भाई बिठा दे, नहीं तो पीछे ड्रोवाल पट्टी पे चढ़ जाऊँ। अच्छा, पीछे चढ़ जाओ। अच्छा, अगर आपको डर नहीं लगता भाई, जैसे आप मतलब अकेले जा रहे हो, ट्रैक्टर पलट जाए कुछ? नहीं नहीं, मतलब दिमाग को स्ट्रॉन्ग करके रखा है। हमने ट्रैक्टर को इतना भगाता है नहीं, जो कंट्रोल से बाहर हो। अच्छा, टोचन भी करते? हमने आपकी एक वीडियो देखी, ट्रैक्टर टोचन कर देते हो? हाँ जी। अच्छा, चलिए बहुत बढ़िया लगा आपसे मिलकर, धन्यवाद।